बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पढ़ो पाकिस्तान की तरफ से खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सी पैक अथॉरिटी इंटर्नशिप प्रोग्राम 2020। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पाकिस्तान और चाइना का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ही अहमियत का हामिल है। सी पैक अथॉरिटी ने पाकिस्तानी नेशनल्स के लिए हंड्रेड्स ऑफ इंटर्नशिप्स का ऐलान किया है। इसकी डिटेल्स देखते हैं। सबसे पहले तो ये है कि अनाउंसमेंट डेट जो है वो 20 अगस्त है पढ़ो पाकिस्तान के ऊपर, और इसकी जो लास्ट डेट है वो मेंशन नहीं है, यानी कि जल्द से जल्द आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। मिनिमम सैलरी जो एक्सपेक्टेड सैलरी है वो 15,000 हो सकती है और मैक्सिमम 45,000 हो सकती है। इसकी डिटेल्स देखते हैं। सी पैक इंटर्नशिप प्रोग्राम इस प्रोग्राम का नाम है। ठीक है जी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो 30 साल से कम की एज होनी चाहिए, यानी 30 साल से अबव वाले लोग अप्लाई नहीं कर सकते। और उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो बैचलर डिग्री किसी भी फील्ड में, यानी कि बीएससी, बीए, बीकॉम, बीबीए, बीएस ऑनर्स, बीई, बी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या कोई भी इंजीनियरिंग, या बीबीए ऑनर्स, बीएस, बीसीएस, बीआईटी, यानी कि एनी डिग्री जो कि बैचलर डिग्री के इक्वल हो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बी एस ऑनर्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, और हाईली मोटिवेटेड और क्यूरियस इंडिविजुअल जो हैं उनको सेलेक्ट किया जाएगा, यानी कि आपके अंदर मोटिवेशन होनी चाहिए। और उसके बाद गुड रिसर्च राइटिंग एंड डिजिटल मीडिया स्किल्स, यानी कि आपको राइटिंग, रिसर्च और डिजिटल मीडिया का नॉलेज होना चाहिए। और उसके बाद इस प्रोग्राम की अगर फीचर्स की बात की जाए तो इसमें माहाना तनख्वाह होगी, जिसकी बात हमने ऊपर की है। ठीक है। और कुछ ख़ास इंडस्ट्रीज या सेक्टर्स में आपकी एलोकेशन होगी। ठीक है। यानी कि आपको किसी भी स्पेसिफिक सनत या सेक्टर में भेजा जा सकता है। और एविडेंस बेस्ड पॉलिसी एडवाइजिंग, ठीक है जी। लीडरशिप और मैनेजमेंट स्किल्स आपके अंदर आएंगी, और इसके बाद डाइवर्स ग्रुप के साथ आपको काम करने का मौका मिलेगा। नंबर ऑफ सीट्स की बात की जाए तो फेज़ जो अभी फेज़ चल रहा है इसके अंदर जो है 100 सीट्स हैं, 100 लोगों को जो है वो सेलेक्ट किया जाएगा। इसमें मेल्स फीमेल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होगा सी पैक अथॉरिटी इंटर्नशिप प्रोग्राम का, तो सबसे पहले आपने अपनी जो सीवी जब आप देंगे तो उसकी बेस पर आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, और उसके बाद आपने एक 500 to 650 वर्ड का जो है वो रिटर्न या वीडियो ऐसे देना होगा। ठीक है। इसका तरीकाकार वो लोग आपको शॉर्ट लिस्टिंग के बाद बता देंगे। और उसके बाद आपकी जो इंटर्नशिप प्रोग्राम स्टार्ट होगा वो अक्टूबर में स्टार्ट होगा और दिसंबर में ये एंड हो जाएगा, 3 मंथ्स होगा। उसके बाद जो सबसे अहम बात है जिसके बारे में बहुत से लोग सवाल करते हैं कि अप्लाई कैसे करना है, तो आपने ये जो वेबसाइट दी गई है cpacauthority.gov.pk, इसके ऊपर आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। उसके बाद कॉन्टेक्ट डिटेल्स दी गई हैं। ठीक है जी। ये आप देख सकते हैं, अगर कोई भी क्यूरी हो तो आप इस पर ईमेल कर सकते हैं, आप उनको कॉल कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे भी ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट भी हमने दी हुई है। ठीक है। ये आपके सामने है, और इसकी जो प्रूफ है वो ये है कि आसिम सलीम बाजवा जो कि सी पैक अथॉरिटी के चेयरमैन हैं, उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर इसके बारे में ट्वीट भी किया हुआ है। ठीक है जी। ये आप देख सकते हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम है। ठीक है। सी पैक का यूथ के लिए तो आप इसमें लाजमी अप्लाई करें। ठीक है। इस चीज़ को मद्देनज़र ना रखें कि ये 3 मंथ्स का है तो उसके बाद ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपको इसकी बेस पे जो है वो आगे सी पैक के अंदर जॉब का मौका भी मिल जाए। तो इसके साथ साथ आप नेक्स्ट अपडेट्स के लिए पढ़ो पाकिस्तान के एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद टिकटॉक पे हमें फॉलो करें, क्योंकि लोग टिकटॉक बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो हमने कहा कि चलें लोगों को वहाँ पर भी अवेयरनेस दी जाए। इस तरह हमारा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर लें, किसी किस्म की क्यूरी हो तो पढ़ो पाकिस्तान की ऑफिशियल आईडी जो है फेसबुक पर, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ट्विटर पर हमें फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं, और मज़ीद जॉब देखने के लिए आप मेन पेज को विज़िट करें। इन सब जो ये लिंक्स हैं देने का मकसद ये होता है ताकि आप लोगों को मैक्सिमम जो है वो अपडेट रखा जा सके। तो उसके साथ साथ अगर रिसेंट जॉब अपडेट्स की बात की जाए तो GC वुमन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के अंदर खवातीन के लिए जॉब्स हैं, GC यूनिवर्सिटी लाहौर में मेल्स और फीमेल दोनों के लिए जॉब्स हैं। फ्रंटियर कॉर्प्स जो हैं उसके अंदर जॉब्स आ चुकी हैं बहुत ज़्यादा। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के अंदर 300 से ज़ायद लेक्चर्स की असामियाँ हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल जो कि अभी बनी है 2020 में, उसके अंदर जॉब्स हैं।
पंजाब कॉलेज कहोटा में टीचिंग और नॉन टीचिंग जॉब्स हैं, और इस तरह पाकिस्तान आर्मी के अंदर भी जॉब्स हैं। इसके अलावा कंप्लीट लिस्ट जो है वो यहाँ से आपको मिल सकती है। अब अगर हम बात करें कि इसके अंदर आपने जो अप्लाई करना था, तो यहाँ से जब आप इस लिंक के ऊपर जाएंगे cpacauthority.gov.pk के ऊपर, तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है, सीपैक अथॉरिटी का। तो यहाँ से आपने ये जो बटन बना हुआ है इंटर्नशिप अप्लाई का, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, तो आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, ठीक है जी, ये एक गूगल फॉर्म है, ठीक है। यहाँ से अब आपने क्या करना है कि यहाँ से आप अपना फुल नेम लिखेंगे, फादर नेम, CNIC, ईमेल, ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, बैचलर डिग्री लिखेंगे, लेट्स सपोज BCom है, BSc है, जो भी है, अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे। एक बात याद रखें, यहाँ कभी भी कन्वर्टेड मोबाइल नंबर मत लिखें, और यहाँ से आप अपनी CV जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फॉर्मेट में या PDF फॉर्मेट में अपलोड करेंगे, और उसके बाद आपने सबमिट कर देना है, ठीक है। तो होप्स हो के जी आपको ये अप्लाई करने का तरीका भी समझ आ गया होगा, और इसकी डिटेल्स का भी आइडिया हो गया होगा। तो लाजमी अप्लाई करें, और हमारे अपनी फीडबैक जो है वो कमेंट्स में ज़रूर दें। किसी किस्म की जो आप हमारी सर्विसेज में अगर कोई मज़ीद बेहतरी चाहते हैं, तो आप हमें लाजमी कमेंट्स करें, फॉलो करें, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।